पहला जो स्मार्टफोन फॉर गेमिंग है ये आप चेक कर लें, पोको X3 GT है, 8 GB इसकी रैम है, 256 GB इसकी इंटरनल स्टोरेज है नाजरी, और ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आपको दिया गया है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। पोको X3 GT ये किलर डिवाइस है पबजी के हिसाब से। अगर आप कोई फ़ोन लेना चाहते हैं 50,000 की रेंज में तो मैं आपको ज़रूर प्रेफर करूँगा कि ये वाला फ़ोन आप ज़रूर परचेज करें, क्योंकि बेस्ट स्मार्टफोन फॉर गेमिंग है पोको X3 GT 8 GB रैम 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। रेडमी की नोट सीरीज़ के अंदर नाजी मेरे पास मौजूद है रेडमी नोट 10 4 GB रैम है 128 GB मेमोरी के साथ। ये वाला फ़ोन आप सब पेर भाई को देखने को मिल जाएगा, बेस्ट स्मार्ट फोन फॉर गेमिंग है ये वाला, और इसके अंदर भी आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया नाजरी, और इसका फिंगरप्रिंट जो है आपको साइड पे देखने को मिल जाता है। ये वाला फ़ोन आप सब पेर भाई को मिल जाएगा 29,500 रुपये का, रेडमी का नोट 10 4 GB रैम 128 GB मेमोरी के साथ। पोको X3 GT के बाद नाजरीन पोको का M3 4 GB रैम 128 GB मेमोरी के अंदर माशाल्लाह जी बहुत ही खूबसूरत कलर येलो कलर के अंदर अवेलेबल है 4128 के अंदर। ये वाला फ़ोन आप सब पेर भाई को मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 20,500 रुपये का, पोको M3। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मिर्ज़ा सामा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह पाक के फजल करम और शुक्र के साथ वो वीडियो आ चुकी है नाज़रीन जिसकी हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टें आई हुई थी, कि कह रहे थे नाज़रीन हमें कुछ हमारे फैंस कह रहे थे कि बेस्ट स्मार्टफोन फॉर गेमिंग लेके आएँ वो भी यूज़ के अंदर नाज़रीन। तो ऐसा ही है कि आज की वीडियो के अंदर आपको यूज़ फ़ोन देखने को मिलेंगे वो भी बेस्ट स्मार्टफोन फॉर गेमिंग के अंदर। जैसे कि आप चेक कर लें मेरे पास MI का नोट 10 लाइट भी मौजूद है 8128 के अंदर, इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन देखने को मिल जाता है। उसके बाद MI का 10T मॉडल मेरे पास मौजूद है कि जो बेस्ट स्मार्टफोन फॉर गेमिंग पबजी किलर डिवाइस भी इसे कहते हैं MI 10T को नाजरीन, ये भी हमारे पास यूज़ के अंदर अवेलेबल है, और पोको X3 GT भी। तो बगैर वक्त आया कि आज आपको इन तमाम वीडियो का हम रिव्यू वगैरह देंगे, इनकी प्राइस स्पेसिफिकेशन बताएंगे। तो अगर आप गेमिंग फ़ोन कोई हमसे परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, अगर आपको इनमें से कोई सा भी फ़ोन पसंद भी आता है तो इंशाल्लाह ताला हम आपको पूरे पाकिस्तान में TCS बिल्कुल फ्री करेंगे। तो बगैर वक्त आया कि नाजरीन हम आपको तमाम मॉडलों का रिव्यू इनकी प्राइस वगैरह बताना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहला मॉडल जो इस टाइम आप अपने डिस्प्ले के सामने चेक कर सकते होंगे गेमिंग डिवाइस के लिए, वो आप चेक कर लें MI का Xiaomi 11 Lite, ये मॉडल है 6 GB इसकी रैम है माशाल्लाह जी, स्क्रैच लेस फ़ोन है, 11 मंथ की इसकी वारंटी हमारे पास अवेलेबल है, 10x10 कंडीशन के अंदर स्क्रैच लेस फ़ोन है नाजरीन। इसके साथ आपको इसका बॉक्स ही दिया जाएगा, चार्जर एंड फ्री भी साथ होगी। ये वाला फ़ोन आप सब भाई को मिल जाएगा 39,500 का स्काई ब्लू कलर के अंदर नाजरीन, 39,500 रुपये का स्काई ब्लू कलर के अंदर। उसके बाद नाजरीन एक जो बेस्ट स्मार्टफोन फॉर गेमिंग मेरे पास मौजूद है वो MI का नोट 10 लाइट है, ये आप चेक कर लें। इसके साथ हमारे पास बॉक्स भी मौजूद है इसका, इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन भी देखने को मिल जाता है वाइट कलर के अंदर, ये हमारे पास फ़ोन अवेलेबल है, और इसकी फ़ोन की ये खसूसियत किलर डिवाइस है गेमिंग के लिहाज से, इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन भी देखने को मिलेगा नाजरीन। उसके बाद इसके अंदर आपको कर्व्स डिस्प्ले देखने को मिलेगा फुल IPS डिस्प्ले के साथ, इसके साथ आपको इसका बॉक्स चार्जर हर चीज साथ मिलेगी, स्क्रैच लेस फोन है। ये वाला फोन आप सब पेर भाई को मिल जाएगा 43,000 रुपये का, 43,000 रुपये का MI नोट 10 लाइट, ये आप चेक कर लें स्क्रैच लेस फोन। उसके बाद नाजरी मेरे पास मौजूद है रेडमी की कंपनी की तरफ से हम आ जाते हैं, क्योंकि रेडमी के जो फोन होते हैं ये किलर डिवाइस होते हैं नाजरी गेमिंग के लिहाज से। उसके बाद मेरे पास मौजूद है 6128 के अंदर रेडमी का एक सिंपल 10 है नाजरी, आप चेक कर लें, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है इसका, 6 GB रैम है 128 GB इंटरनल स्टोरेज का। ये वाला वेरियंट आपको देखने को मिल जाएगा बॉक्स एंड फ्री चार्जर के साथ, इसके साथ आपको इसका बॉक्स भी दिया जाएगा, चार्जर एंड फ्री भी इसके साथ होगी। ये वाला फोन आप सब भाई को मिलेगा 30,500 रुपये का। अब ये हम आपको और ज्यादा अगर आप कम रेंज के अंदर किलर डिवाइस लेना चाहते हैं गेमिंग के लिए ऐसे, तो मैं आपको दिखाता चलूँ ये रियलमी का मेरे पास फोन मौजूद है, रियलमी का ये मॉडल है 5i 4 GB इसकी रैम है, 128 GB इसकी इंटरनल स्टोरेज है, बैक पे आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा, कैमरा सेटअप माशाल्लाह जी बहुत ही खूबसूरत दिया गया, ब्लू कलर के अंदर ये मॉडल हमारे पास अवेलेबल है। इसके साथ भी आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर जो कि मेरे लिए ऐसे बेस्ट स्मार्टफोन फॉर गेमिंग वो भी 10 से 20,000 की रेंज में बहुत इनफ क्वालिटी के अंदर आपको दिया गया है।
इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर भी अच्छा दिया गया, उसके बाद मीडिया टेक के हीलियो G80 का इसमें प्रोसेसर लगाया गया। ये वाला फोन आप सब मेरे भाइयों को मिलेगा 25,500 रुपए का। उसके बाद नाज़रीन हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे फ़ोनों के बारे में जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। जैसे कि नाज़रीन ये ओप्पो का रीनो 2F 8128 के अंदर, उसके बाद MI 10 TV अवेलेबल है, पोको X3 ये चेक कर लें, पोको X3 GT भी अंडर वारंटी, सिर्फ वन डे यूज़ ये वाला मॉडल मेरे पास अवेलेबल है। इसकी तरफ चलते हैं नाज़रीन, ये जो पोको X3 GT अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो इसकी 8 GB रैम है, 256 GB इसकी इंटरनल स्टोरेज है नाज़रीन। स्क्रैच लेस फोन है, बैक पे इसकी ग्लास की होती है, वो ना इसके फ्रंट पे कोई स्क्रैच है ना इसके बैक पे कोई स्क्रैच है नाज़रीन। ये आप चेक कर लें इस टाइम आपके डिस्प्ले के सामने, बहुत ही खूबसूरत मॉडल ये रखा गया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे फ़ोनों के बारे में जो कि 53,500 रुपये का नाज़रीन आप सब प्यारे भाई को मिल जाएगा ये पोको X3 GT। माशाल्लाह जी बहुत ही खूबसूरत फ़ोन, अगर आप गेमिंग फ़ोन लेना चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर प्रेफर। उसके बाद नाज़रीन मेरे पास एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मॉडल मौजूद है, रेडमी का ये मॉडल है MI 10T, जो कि मेरे लिए ऐसे बेस्ट स्मार्टफोन फॉर गेमिंग भी। अगर आप 50,000 की रेंज में फ़ोन लेना चाहते हैं गेमिंग वाला तो आपको मैं ज़रूर प्रेफर करूँगा कि ये वाला फ़ोन आप ज़रूर परचेज करें। ये इस टाइम मार्केट में 2022 इसकी पूरे पाकिस्तान में ज़बरदस्त सेल जा रही है इस टाइम MI 10T की, आप चेक कर लें। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं नाज़रीन तो इसकी 6 GB रैम है, 128 GB इसकी इंटरनल स्टोरेज है, स्नैपड्रैगन का इसके अंदर सबसे हाईली प्रोसेसर लगाया गया है जो कि पबजी के लिए खास तौर पे पबजी डिवाइस आप इसे कह सकते हैं, MI 10T को पबजी डिवाइस है ये। तो इसके अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ साथ आपको जो बैटरी MAH दी गई है वो भी 6000 mAh की दी गई है। मेरे लिहाज से 50,000 की रेंज में यही फ़ोन आपको अगर आप बॉक्स पाकिस्तानी मार्केट प्राइस वैल्यू की बात करते हैं नाज़रीन तो 60,000 रुपये की मिलेगी, लेकिन यही फ़ोन हम यूज़ के अंदर लेके आ चुके हैं आपके लिए। यही वाला फ़ोन 60,000 रुपये से लेके हम आपके लिए आज के वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ 51,500 रुपये का देंगे MI का 10T। उसके बाद नाज़रीन ओप्पो के अंदर ओप्पो का रीनो 2F मेरे पास मौजूद है 8256 के अंदर, इसका पॉपअप डिस्प्ले वाला कैमरा होता है नाज़रीन, उन्होंने ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ साथ इसके अंदर जो फ्रंट सिक्योरिटी फिंगरप्रिंट दिया गया वो भी आपको डिस्प्ले के अंदर ही देखने को मिल जाता है। जो आपको फ्रंट डिस्प्ले इसका सिक्योरिटी कोड होगा वो भी आपको इसके डिस्प्ले के अंदर ही देखने को मिलेगा नाज़रीन। ये वाला फ़ोन आप सब मेरे भाई को मिल जाएगा 33,500 रुपये का, ओप्पो का रीनो 2F 8 GB रैम 256 GB मेमोरी के अंदर, यही वाला फ़ोन आप सब मेरे भाइयों को मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 34,500 रुपये का नाज़रीन। ओप्पो के बाद नाज़रीन मेरे पास बहुत सारे ऐसे मॉडल मौजूद हैं जो कि इस टाइम अपने डिस्प्ले के सामने आप चेक कर सकते होंगे, बहुत ही ज़्यादा आप चेक कर लें। रेडमी का नोट 10 सिंपल के अंदर भी और रेडमी का 10 भी अवेलेबल है जो कि बेस्ट स्मार्टफोन फॉर गेमिंग और स्लाइटली यूज़ फोन के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, वो भी अंडर वारंटी के अंदर। ये आप चेक करते जाएं नाज़रीन, इसमें से अगर आपने कोई सा भी मॉडल लेना हो तो कमेंट सेक्शन में आके हमसे राबता कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रेडमी नोट 10 के बारे में, सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ साथ इसके अंदर आपको 4 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। वाइट कलर के अंदर ये वाला फ़ोन हमारे पास अवेलेबल है नाज़रीन। स्क्रैच लेस इसके अंदर अगर हम चार्जिंग बोर्ड की बात करें नाज़रीन तो इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग कैपेसिटी के साथ साथ टाइप C2 इन्वर्टर देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको 33 वाट का अडाप्टर देखने को मिलेगा जो फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड होगा। ये रेडमी का नोट 10 मॉडल है 4128 के अंदर, ये वाला फ़ोन आप सब पेयर भाई को मिलेगा सिर्फ सिर्फ 29,500 रुपये का। उसके बाद नाज़रीन ये और भी स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है, ये भी आप चेक कर लें। अगर आप गेमिंग फ़ोन नहीं भी लेना चाहते तो ये आप चेक कर सकते हैं इस टाइम अपने डिस्प्ले के सामने, तमाम के तमाम हमारे पास ब्रांडेड कंपनियों के फ़ोन मौजूद है वो भी अंडर वारंटी के अंदर, ये आप चेक कर लें। उसके बाद हमारे पास ओप्पो का A54 भी अवेलेबल है, 4 GB रैम है, 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ नाज़रीन। ओप्पो A54 अगर हम इसकी वारंटी की बात करते हैं नाज़रीन तो इसकी हमारे पास 10 मंथ प्लस की वारंटी भी मौजूद है। ये वाला फ़ोन आप सब पे भाई को मिलेगा 26,000 रुपये का। वीवो के अंदर अगर आप बेस्ट स्मार्टफोन फॉर की बात कर लें तो अंडर आपके बजट के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन फॉर अंडर बजट आप चेक कर लें वीवो का ये मॉडल है V21 8 GB इसकी रैम है, 128 GB इंटरनल स्टोरेज है। इसका जो फिंगरप्रिंट है वो आपको इसके फ्रंट डिस्प्ले के अंदर ही देखने को मिलेगा वीवो कंपनी के, ये आप चेक कर लें। स्क्रैच लेस फोन है और सबसे बड़ी बात 2022 का ये मॉडल है नाज़रीन, टाइप सी के इसके अंदर आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगी। अगर वाट की बात कर लें, एम्पेयर की बात कर लें तो नाज़रीन इसमें आपको 20 वाट का फ्लैशिप चार्जर देखने को मिलेगा वीवो V21 के अंदर 8128 का। ये वाला फ़ोन आप सब पे भाइयों को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ नहायत ही मुनासिब रेट के अंदर 43,500 रुपये का। एक बार फिर ये तमाम का तमाम लेटेस्ट स्टॉक मेरा आप चेक कर लें। अगर आप गेमिंग फोन के अलावा भी हमसे स्लाइटली यूज़ के अंदर फ़ोन लेना चाहते हैं तो ये तमाम का तमाम मॉडल आपको आज की वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया के नाज़रीन अभी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।